नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेद एंड मेडिसिन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी को बताऊंगा सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जल्दी ठीक होने के बेहतर तरीकों के बारे में। साथियों, सर्जिकल प्रक्रिया के माध्यम से बच्चों को जन्म देने की क्रिया सिजेरियन डिलीवरी कहलाती है। इसे आमतौर पर सी सेक्शन डिलीवरी कहते हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताऊंगा सी सेक्शन डिलीवरी की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सी सेक्शन डिलीवरी के बाद जल्दी ठीक होने के क्या तरीके होते हैं, और सी सेक्शन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज की वीडियो दोस्तों इसी टॉपिक पर है। दोस्तों सी सेक्शन डिलीवरी होती क्या है? साथियों, सी सेक्शन डिलीवरी कराने के लिए माँ के शरीर में दो चीरे लगाए जाते हैं। पहला चीरा माँ के पेट पर लगाया जाता है और दूसरा चीरा गर्भाशय में लगाया जाता है। सी सेक्शन डिलीवरी बहुत ही आम बात हो गई है, जिसे आज के जमाने में दोस्तों ऑपरेशन का नाम कहा जाता है, वो सी सेक्शन ही होता है। पहले की अपेक्षा ज़्यादातर मामलों में बच्चों की डिलीवरी कराने के लिए सी सेक्शन का सहारा लिया गया है। आमतौर पर दोस्तों प्रेगनेंसी के 39 हफ्तों के बाद ही सी सेक्शन डिलीवरी कराई जाती है, ताकि दोस्तों बच्चा जो होता है माँ के कोख में पूरी तरह से विकसित हो जाए। लेकिन गर्भवती माँ को किसी प्रकार की कोई गंभीर जटिलता होने पर 39 हफ्तों से पहले भी सी सेक्शन की डिलीवरी की जा सकती है। दोस्तों हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? सिजेरियन डिलीवरी आमतौर पर तभी की जाती है जब गर्भावस्था में किसी प्रकार की समस्या होती है, यानी कि योनि के माध्यम से बच्चे की डिलीवरी कराने में कठिनाई हो तो माँ और बच्चे के जीवन पर खतरा रहता है। इस कंडीशन में दोस्तों सिजेरियन डिलीवरी कराई जाती है। कभी कभी दोस्तों समय से पहले भी डिलीवरी कराने पर सी सेक्शन सर्जरी का सहारा लिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर मामलों में प्रसव के समय ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके कारण क्या होते हैं? दोस्तों माँ के गर्भ में बच्चे के विकास में किसी तरह की समस्या होने पर, बर्थ कैनाल के आकार में हिसाब से बच्चे का सिर अधिक बड़ा होने पर, या फिर पैर की तरफ से बच्चे की डिलीवरी होने पर, यानी कि दोस्तों उल्टा बच्चा होता है, उस कंडीशन में भी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। समय से पहले डिलीवरी होने की आशंका होने पर, यानी कि दोस्तों समय से पहले अगर लगता है कि डिलीवरी हो सकती है, उस सेक्शन में भी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। गर्भावस्था माँ से एक्टिव जेनाइटल हब शिशु में पहुंचने की आशंका होने पर, यानी कि दोस्तों कुछ ऐसा लगे कि कोई जेनेटिकल बीमारी बच्चे के अंदर पहुंच रही है, उस कंडीशन में भी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। महिला के द्वारा पहले से सी सेक्शन के माध्यम से बच्चे को जन्म देने पर, प्लेसेंटा में किसी तरह की समस्या होने पर, बच्चे को सही तरीके से ऑक्सीजन की सप्लाई ना होने पर भी सी सेक्शन डिलीवरी की जाती है। दोस्तों सी सेक्शन डिलीवरी के बाद ठीक होने के तरीके क्या होते हैं? साथियों, सी सेक्शन डिलीवरी एक बहुत ही गंभीर और बड़ी सर्जरी होती है। इसे नॉर्मल डिलीवरी की अपेक्षा सी सेक्शन सर्जरी के माध्यम से होने वाली डिलीवरी में घाव को सुखाने में काफ़ी लंबा समय लगता है। इसके बाद दोस्तों माँ को नवजात शिशु के साथ करीब 5 से 6 दिनों तक अस्पताल में रखना पड़ता है, लेकिन कभी कभी समस्या जटिल होने पर ज़्यादा समय भी अस्पताल में रुकना पड़ सकता है। दोस्तों सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कौन सी दर्द निवारक औषधियाँ लेनी चाहिए? नॉर्मल रूप से दोस्तों जो भी पेन किलर होती हैं वो सी सेक्शन डिलीवरी के बाद देनी चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी कभी भी जल्दी से स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। जल्दी ठीक करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सी सेक्शन के बाद जल्दी रिकवर करने के लिए क्या क्या आपको खाना चाहिए। दोस्तों जो प्रोबायोटिक होते हैं उनको आपको इस्तेमाल करना चाहिए। सी डिलीवरी के बाद सर्जरी कराने के कारण पेट में पाए जाने वाले हेल्दी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, इसलिए सी सेक्शन सर्जरी के बाद घाव को जल्दी से भरने के लिए, दोबारा पेट में इन बैक्टीरिया को रिस्टोर करने के लिए प्रोबायोटिक सप्लीमेंट लेने चाहिए। यह बॉडी के अंदर, महिलाओं की बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाती है, डायरिया की समस्या को दूर करती है। दोस्तों जो सी सेक्शन डिलीवरी होती है वो चीरे को सही प्रकार से देखभाल करके लगाना चाहिए, यह डॉक्टर के अनुसार होता है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कौन सा अच्छा खाना होता है जो कि सी सेक्शन डिलीवरी में लेना चाहिए। सी डिलीवरी के बाद घाव भरने के लिए शरीर को पुनः पहले जैसा बनाने के लिए खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। जल्दी ठीक होने पर पोषक तत्वों में युक्त आहार लेना चाहिए। भोजन के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी विटामिन सी से खाद्य पदार्थ जैसे कि बेरी, कारले, साथ ही साथ ब्रोकली आदि को शामिल करना चाहिए। कोलेजन नामक प्रोटीन का निर्माण करना चाहिए। टिश्यू मरम्मत के लिए जो उपयोग किया जाता है, इसका अलावा दोस्तों ओमेगा 3 या ओमेगा 6 फैटी एसिड, बादाम वगैरह, अखरोट, इन सभी बीजों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों सी सेक्शन डिलीवरी में कभी भी भारी वजन नहीं उठाना चाहिए, साथ ही साथ संबंध बनाने से भी परहेज करना चाहिए। सामान्य डिलीवरी से बच्चे के जन्म की अपेक्षा सी सेक्शन डिलीवरी के माध्यम में बच्चे के जन्म देने के बाद महिलाओं की डिलीवरी को करीबन 18 महीने तक संबंध बनाने के दौरान 2 गुना दर्द सहन करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों सी सेक्शन के बाद जितना हो सके अपने शरीर को ठीक प्रकार से रखना चाहिए। दोस्तों सी सेक्शन डिलीवरी में आपको क्या खाना चाहिए?
दोस्तों सी सेक्शन डिलीवरी में आपको कम वसा वाले खाद्य पदार्थ खाने चाहिए। कम वसा वाले जैसे कि आपको दही, बिना मलाई वाला दूध, पनीर, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन बी, विटामिन डी, इस प्रकार के खाद्य पदार्थ आपको खाने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको पूरे अनाज खाने चाहिए। साबुत अनाज जैसे कि दोस्तों ब्राउन ब्रेड, ब्राउन चावल, गेहूं वगैरह जो कि आपको जरूरी कैलोरी प्रदान करें, वो सब आपको खाने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों आप ओट्स वगैरह या फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। आप दालों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप हल्दी का सेवन करें। सीजन डिलीवरी के बाद खाने के लिए हल्दी शामिल करें, क्योंकि हल्दी के अंदर विटामिन B6, विटामिन सी, फाइबर, पोटाशियम, मैग्नीशियम पाया जाता है। यह सूजन को कम करने में मदद करता है, आंतरिक और बाहरी घावों को ठीक करने में मदद करता है। एक गिलास गर्म दूध हल्दी को पानी के मतलब हल्दी को आधी चम्मच डालकर पीना चाहिए। इससे भी दोस्तों आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। दोस्तों हो सके तो आपको जो कैरम के बीज होते हैं उनका इस्तेमाल करें। अजवाइन का पानी भी आप पी सकते हैं। अदरक और लहसुन का भी सेवन करें, आपको फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप बादाम का भी सेवन करें। बादाम का सेवन करने से भी आपको विटामिन बी, विटामिन ई, फाइबर वगैरह मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो ये मूंग की दाल होती है उसका सेवन करना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। दोस्तों आप बादाम तो मैंने आपको बताया है, बादाम का इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप बहुत सारी जैसे कि अजवाइन होती है जिनको कैरम के बीज बोला जाता है, अजवाइन का पानी का इस्तेमाल करें। यह दोस्तों आपको नेचुरल रूप से ताकत प्रदान करती है। अजवाइन का सुगंधित तेल सत्तन के दूध पर छिड़कना चाहिए। यह बच्चों में पाचन के लिए आपको नियंत्रित रखता है। आप दोस्तों बाजरे का इस्तेमाल करें। बाजरे का इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। बाजरा जो होता है दोस्तों मंडुआ के रूप में जाना जाता है। यह आयरन और कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है। सी सेक्शन डिलीवरी के बाद माताओं की हड्डियों को स्वस्थ रखने के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसे दूध और अन्य डेयरी प्रोडक्ट के माध्यम से आहार में शामिल करना चाहिए। माताओं के लिए अच्छा विकल्प होता है सी सेक्शन डिलीवरी के बाद डेयरी प्रोडक्ट में बाजरे का इस्तेमाल करना। दोस्तों मेथी का इस्तेमाल करना चाहिए। यह कैल्शियम, लोह, खनिज तत्व, विटामिन का भरपूर स्रोत होती है। जोड़ों और पीठ के दर्द की रोकथाम के लिए उपयोग की जाती है। विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में मिलाकर इसका इस्तेमाल करें। मेथी की चाय स्तनपान करने से माता की जो दूध बढ़ता है। साथ ही साथ दोस्तों आपको सफ़ेद और काले तिल के बीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। तिल के बीजों के अंदर आयरन, कैल्शियम, तांबा, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम पाया जाता है। मौल तय करने के लिए आसान तरीका होता है। दोस्तों आप हींग का इस्तेमाल करें। हींग का इस्तेमाल करने से भी आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। हींग का इस्तेमाल करने से दोस्तों आपकी पाचन शक्ति बेहतर बनती है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ सी सेक्शन डिलीवरी में आपको क्या नहीं खाना चाहिए। दोस्तों सी सेक्शन डिलीवरी में आपको कोई भी फैटी एसिड, जिंक फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए, जो कि आपके शारीरिक गतिविधि को कम करते हैं, आपके वजन को बढ़ाते हैं। मसालेदार खाद्य पदार्थों के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि वो दोस्तों GI ट्रैक के अंदर जाकर बहुत सारी समस्याओं को पैदा करते हैं। पेट से संबंधित समस्याओं के बचाव के लिए फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों आप कॉफ़ी और चाय जैसे कैफीन युक्त पेय पदार्थों को कम मात्रा में इस्तेमाल करें। कैफीन आपके बच्चों के विकास की समस्या में पैदा करती है। एल्कोहल का भी कम से कम इस्तेमाल करें, यानी कि दोस्तों शराब से आपको दूर रहना है, क्योंकि यह दूध पैदा करने की क्षमता को कम करता है और आपके बच्चों में विकास संबंधी सभी प्रकार के मुद्दों का कारण बनती है। सफ़ेद मसूर, राजमा, मटर, काले सेम, हरी मटर, इन सभी को दोस्तों धीरे धीरे आपको त्याग कर देना चाहिए। सीजनल डिलीवरी के बाद लगभग 40 दिनों तक गोभी, फूल गोभी, ब्रोकली, भिंडी और प्याज जैसी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तला हुआ भोजन न खाने की वजह से भी दोस्तों पचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। खासतौर पर प्रसव के बाद के दिनों में आपको अपचन, जलन और गैस का कारण बन जाती है। दोस्तों आपको सी सेक्शन डिलीवरी के बाद कभी भी कोई ठंडी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसकी वजह से दोस्तों माँ को के अंदर जुकाम वगैरह की बीमारी हो सकती है और जुकाम के समय वो दोस्तों दवा नहीं ले पाएगी, इसलिए दोस्तों यह सतन के दूध में जा सकती है। दोस्तों सीजन डिलीवरी के बाद आपको याद रखने वाली कुछ बातें होती हैं। सीजन डिलीवरी के बाद 3 बार भोजन करने के बजाय कोशिश करें कि कम से कम 5 से 6 बार छोटे छोटे रूप में भोजन करें। अपने भोजन के समय आपको 2 घंटे तक का अंतराल रखना है। यदि आपको ज़्यादा भूख लगती है तो आप कुछ फल या नट्स खाएं। दोस्तों आपको अपने सर्वश्रेष्ठ पोषण के लिए कुछ बेबुनियाद बातों को ध्यान रखना चाहिए। आपको अपने भोजन को धीरे धीरे चबाकर खाना चाहिए। नवजात शिशु होने पर दोस्तों उसको आराम से भोजन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन आप अपने परिवार के सदस्यों से कुछ समय के लिए अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए कह सकते हो। सीजनल डिलीवरी के बाद कम से कम 3 से 4 बार या फिर 3 से 4 दिनों तक आपको चावल नहीं खाना चाहिए। खासतौर पर अगर कोई मधुमेह से पीड़ित है तो उसको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। नवजात शिशु के साथ आपको पर्याप्त समय
नहीं मिल पाता है, यानी कि दोस्तों नींद नहीं आ पाती है, तब हो सके तो दोस्तों आपको आराम करने की कोशिश करनी चाहिए। नींद आपके शरीर को मरम्मत करने में मदद करती है, बेहतर तरीके से आपको ठीक करेगी। जितना हो सके आपको अपने घर के ही पके खाने को खाना चाहिए, बाहर का खाना आपको नहीं खाना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों सी डिलीवरी के बाद आहार के महत्व को जानना चाहिए। एक आपको पौष्टिक आहार का ही सेवन करना चाहिए जो कि आपके शरीर के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम लिंक मिलेगी, वहाँ पर जाकर आप हमें फॉलो करें और आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हो, उसका जवाब हम देने का बहुत ही जल्दी प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों अब हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरा नमस्कार।